40 साल कबल गरीब नियामत मसीह वगैरह ने गांव के जमींदार सैयद भट्टी से 3500 रुपए मरला के हिसाब से रकम अदा करके जमीन खरीदी और फिर बड़ी मुश्किल से घर तामीर किए। लेकिन सैयद भट्टी की वफात के बाद उसकी बीवी और बेटों ने अदालत में गलत बयान करके बेल्ट हासिल किया और इन गरीब मसीहियों को उनके घर से निकाल दिया गया है। गरीब मसीही लोगों ने अकलियतों के नुमाइंदों के अलावा हुकूमत वक्त से अपील की है कि हमारी जमीन को वागजार करवाया जाए। मोदी हुकूमत के पास अकलियतों पर हमलों का डाटा मौजूद नहीं। भारतीय पार्लियामेंट के इवाने बाला राज्यसभा में अकलियतों पर किए गए हमलों के मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल वज़ीर अकलियती अमूर समर्थी ईरानी ने कहा है हुकूमत के पास इस हवाले से कोई डाटा मौजूद नहीं। यानी बंगला यूसी 160 कोलीगोट में मकबूल मसीह खोखर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनोरिटी विंग ने हैदराबाद से इंतखाब विज़िट किया और अवाम को दरपेश मसाइल पर बातचीत की और उनको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अकलियतों की आवाज़ बनी है और आइंदा भी आपके साथ शाना बशाना मदद के लिए तैयार है। हिंदू जुनूनियों के हाथों दो मुसलमान नौजवान कत्ल। 23 साल फाजल हिंदू जुनूनियों जबकि दिलशान राजा असातिज़ा के तशद्दुद का निशाना बना। भारत की रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने छुरियों के वार करके मुसलमान नौजवान कत्ल कर दिया। मंगलोरों में 23 साल मुसलमान नौजवान अपने दोस्त के साथ पैदल जा रहा था कि हिंदू इंतहा पसंदों ने बगैर किसी वजह के मोहम्मद फाजल को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और छुरियों के पैदर पै वार करके कत्ल कर दिया। हिंदू इंतहा पसंद मोहम्मद फाजल के मरने के बाद इसकी लाश को ठोकरे मारते रहे। एमडी वासा मैनेजमेंट डायरेक्टर वासा हैदराबाद से हैदराबाद हिंदू कौंसिल पाकिस्तान के वफद से मुलाकात। मुखी महेश चंद चेयरमैन हैदराबाद हिंदू कौंसिल पाकिस्तान और तमाम अराकीन ने अंजन सैयद को हैदराबाद के नए एमडी वासा का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी और हैदराबाद के अवाम अजनास को साफ पानी पीने के निजाम को बेहतर करने समेत दीगर मामलों पर तबादला ख्याल और उनके दफ्तर का विजिट भी किया। जानकी देवी मटर्निटी अस्पताल के लिए ग्रांट मंजूर। मुतलका वक्फ अमलाक बोर्ड का 347वां अजलास। तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया। मुतलका वक्फ अमलाक के बोर्ड के मेंबर्स का 347वां अजलास में मुल्क भर से सरकारी और गैर सरकारी हिंदू और सिख मेंबर्स ने शिरकत की। अकलीती मेंबर कृष्ण शर्मा ने बालमेक मंदिर लाहौर का कब्जा हासिल करने और वहाँ पूजा पाठ समेत दीगर आला इंतजाम करने के इकदाम पर बोर्ड चेयरमैन और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर सिंध कौंसल नासर रहीम लोधी का जमीनी इलेक्शन NA 240 के दौरान किया हुआ एक और वादा पूरा हो गया। UC 8 में जलालुद्दीन मस्जिद सेक्टर 50 में रोड नंबर 7 में 30 साल पानी का पुराना मसला हल करते हुए अपने बयान में कहा, खिदमत में अजमत है, मैंने जमीनी इलेक्शन खिदमत की नीयत से लड़ा और मेरी नीयत साफ है, इसलिए मैं अब तक अपने हल्के के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कायदुल अफकार अली भुट्टो का फरमान है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और मैं अपने हलके के लोगों से पुरजोर अपील करता हूं कि बलदियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें और अपना वोट पीर के निशान पर मोहर लगाकर अपने इलाके के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कौंसलरों को कामयाब करें।